महू की घटना पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस लो एवं कास्ट प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु विश्वकर्मा। महू की घटना निंदनीय घटना है। कमलनाथ ने फोन पर बात की है, अगले 6 महीने में आ रही है हमारी सरकार, हम करेंगे आदिवासियों के साथ न्याय, कांग्रेस सरकार आदिवासियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ आदिवासियों का शोषण करते हैं, भाजपा ने आदिवासियों को बनाया सिर्फ इवेंट का हिस्सा, भाजपा सिर्फ दिखावे का ढोंग करती है, भाजपा के राज में प्रशासन अंग्रेजों के शासन की याद दिला रहा है। सर, महू में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उस व्यक्ति से उसके परिजनों से बातचीत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महू में आदिवासी पुलिस की गोलीबारी से मारा गया है, बहुत ही दुखद और निंदनीय है। आज माननीय कमलनाथ जी ने जो आदिवासी मृतक भैरूलाल, उनके पिता श्री मदन लाल जी से फ़ोन पर बात की, ये माननीय कमलनाथ जी की मानवता और संवेदना को व्यक्त करता है। चूँकि आज विधानसभा चल रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन पर अपने प्रतिनिधियों को भेजकर चर्चा की, और जो भी वहाँ पर घटित हुआ है ये घोर निंदनीय है। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ करती थी और सीधी गोली मारी जाती थी। इसी तरह 2017 में भी एक घटना घटित हुई थी, 5 किसानों को पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो जो आज का प्रशासन चल रहा है पूरा अंग्रेजों की तरह चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज लोग दबा के, धमका के, बंदूक की नोक पे काम करते थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आज का प्रशासन काम कर रहा है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि 6 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी और हम आदिवासियों को, जो आदिवासी बंधुगण हैं, उनको पूरी रक्षा प्रदान करेंगे। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो अपने वचन के पक्के हैं और अपने वचन को पूरा करेंगे। सर, बीजेपी आदिवासियों को लेकर जिस प्रकार के इवेंट क्रिएट करती है, तमाम कार्यक्रमों में आदिवासियों को केंद्र में रखती है, तो क्या लगता है आदिवासी भाजपा के साथ जाएंगे या ये आक्रोश आदिवासियों को कांग्रेस के समर्थन में लेके जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी अलग है और करनी अलग है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोगों ने आदिवासी वर्ग का शोषण किया है और इवेंट के लिए तो वो कर्जा लेके इवेंट करते हैं, वो आदिवासी बंधुओं पर खर्च नहीं करते, वो खुद के इवेंट पे खर्च करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं पे खर्च करते हैं। तो आदिवासी वर्ग भी इस चीज़ को समझने लगा है और उनको ये भी पता है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन को निभाया है, तो उनका पूरा भरोसा माननीय कमलनाथ जी पर है। इसलिए आने वाले समय में आदिवासी वर्ग पूरा माननीय कमलनाथ जी को वोट करेगा और आने वाले समय में भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे।